नमस्कार दोस्त, कंकर से शंकर की ये सीरीज मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ उन शख्सियत के बारे में बताने के लिए, उन हस्तियों के बारे में बताने के लिए जो साधारण से असाधारण व्यक्तित्व बने, क्योंकि उनके अंदर एक घोंसला था, एक आत्म विश्वास था, स्वयं पे विश्वास था, भगवान पे विश्वास था और कड़े अभ्यासी थे। आज जिस शख्स की कहानी मैं आप सबके सामने लेकर आ रहा हूँ उसका नाम था कार्ली। कार्ली जो 1910 में पैदा हुआ था और लगभग 1934 में वो हंगरी की सेना में भर्ती हुआ। वो भर्ती एक सर्जेंट के रूप में हुआ, एक अर्दली के रूप में हुआ। उसका एक ही सपना था जीवन का कि अपने देश को ओलंपिक में वो एक गोल्ड मेडल जिताए। अचूक निशानेबाज, बहुत अचूक निशानेबाज था। लेकिन सेना में भर्ती होने के बाद उसको पता लगा कि यहाँ पर सर्जेंट को, अर्दली को इजाजत नहीं है कि वो ओलंपिक में भाग ले सके। इससे पहले कि वो दूसरी चीज सोचता, 1936 के बाद ये प्रतिबंध हटा लिया गया और अब ओलंपिक में कोई भी भाग ले सकता था। अब उसको लगा कि हाँ, मैं अपने सपने को पूरा कर सकता हूँ, अपने उद्देश्य को पूरा कर सकता हूँ। अभ्यास चलता रहा, लेकिन 1938 के अंदर वो सेना में था, एक दुर्घटना में बम विस्फोट हुआ और उसका वो हाथ चला गया, वो दाया हाथ चला गया जिससे वो निशानेबाजी करता था। लगभग 3 महीने वो हॉस्पिटल में रहा। लोग मिलने आते और कहते, कार्ली आपके साथ भगवान ने अच्छा नहीं किया, आपका वो हाथ आपसे ले लिया जिससे आप अपना सपना पूरा करते, गोल्ड मेडल जीतते। उसने कहा कि कोई बात नहीं, मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि क्या चला गया, मैं भगवान का इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ कि जो मेरे पास शेष बचा हुआ है मैं इससे ही अपने उद्देश्य को पूरा करके दिखाऊंगा, मैं इससे ही गोल्ड मेडल जीत कर दिखाऊंगा। और उसके बाद उसने कड़ा अभ्यास किया, क्योंकि सेना की नौकरी जा चुकी थी, उसके पास पूरा समय था। वो अभ्यास करता चला गया, करता चला गया और 1939 में ट्रायल के दौरान अपने साथियों के कटाक्ष के बावजूद भी उसका सिलेक्शन हुआ हंगरी की टीम में एक निशानेबाज के रूप में। अब उसको लगा कि वो अपने सपने को पूरा कर पाएगा, लेकिन 1940 का वो ओलंपिक विश्व युद्ध के कारण रद्द हो गया। अब उसको लगा कि उसके सपने टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। लेकिन फिर से उसने अपने आप को बटोरा, फिर से अपने आप को समेटा और उसने कहा कोई बात नहीं, 1940 ना सही, 1944 ही सही। उसने अपना टारगेट 1944 बनाया, फिर से अभ्यास करना आरंभ किया, फिर से मेहनत करनी आरंभ करी। करते करते 1944 आया, फिर से उसका हंगरी की टीम में सिलेक्शन हुआ निशानेबाज के रूप में 1944 में। अब उसको लगा कि अब की बार तो वो अपना सपना पूरा करके ही दम लेगा, लेकिन तभी उसको पता लगा कि 1944 का ओलंपिक भी द्वितीय विश्व युद्ध के कारण रद्द हो गया। अब बिखराव बहुत ज्यादा था, लगा कि शायद वो अपने सपने को पूरा नहीं कर पाएगा। हम में से यदि कोई भी होता, घुटनों में सर रखकर रोने लगता, ये मानता कि किस्मत में शायद यही लिखा है और इसलिए शायद वो अपने सपने को छोड़ देता, वो अपनी बात से पीछे हट जाता, अपने उद्देश्यों से पीछे हट जाता। लेकिन वह असाधारण व्यक्तित्व था, उसने फिर से अपने आप को बटोरा, फिर से अपने आप को समेटा। उसने कहा कोई बात नहीं, 1944 ना सही, 1948 सही। फिर से उसने मेहनत करनी आरंभ की, फिर से अपने आप को तैयार किया, फिर उसने 1948 तक वो कड़ा अभ्यास करता चला गया, करता चला गया। फिर 1948 में भी उसका सिलेक्शन हुआ हंगरी के लिए और अब की बात ओलंपिक हुआ। यह बात जंगल में आग की तरह फैल गई कि एक ऐसा व्यक्ति जो बाएं हाथ से निशाने लगाता है, अचूक निशानेबाज है, इस हजारों लोग उसको देखने के लिए आए, ये देखने के लिए आए कि वो कैसे निशानेबाजी करता है। अब प्रतियोगिता आरंभ हुई। कार्ली जो 1934 में 24 साल का नवयुवक था, अब 38 साल का प्रौढ़ हो चुका था। अब उसका जो सामना था वो नौजवानों से था, नवयुवकों से था, जिनके अंदर एक नई रवानगी थी, नया जोश था, लेकिन उसके अंदर आत्मविश्वास था। प्रतियोगिता आरंभ हुई, दोनों तरफ से कांटे की टक्कर चली, बहुत कड़ी प्रतियोगिता थी, लेकिन अंततः उसने अपना सपना पूरा करके दिखाया, उसने गोल्ड मेडल जीत कर दिखाया, जो वह चाहता था वो उसने हासिल करके दिखाया। जी हाँ दोस्तों, उसने उस सपने को जो उसने जिया था, जो उसकी रग रग में दौड़ता था, आज वो सपना पूरा कर चुका था। और केवल 1948 में नहीं, 1952 में भी उसने गोल्ड मेडल जीत कर ओलंपिक के अंदर एक नया इतिहास रचा, जब एक ही खिलाड़ी ने किसी दो ओलंपिक में लगातार दो बार गोल्ड मेडल जीता हो। हुआ किस लिए? उसकी मेहनत के कारण,
हुआ किस लिए? उसके संयम के कारण, उसका भगवान के ऊपर विश्वास के कारण, अपने ऊपर आत्मविश्वास के कारण। ठीक इसी तरह से हम भी कहीं ना कहीं यह सोचते रहते हैं, अपने आप को साधारण मानते रहते हैं कि हम तो कंकर हैं। जिस तरह से कार्ली एक कंकर था, अपनी तप के कारण वो शंकर बन गया, उसी तरह यदि हम भी मेहनत करें, यदि हम भी अपना जनून बनाए रखें, यदि हम भी संयम रखें, तो निश्चित रूप से हम भी कंकर से शंकर बन जाएंगे, हम भी कंकर से शंकर बन जाएंगे। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी और इस तरह की और कहानी आप चाहते हैं, तो कंकर से शंकर सीरीज की और बाकी बची कहानियों से आप जुड़ना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।